रात असी रुके सीगे पौंटा साहब ते इधर महाराज जी का कवि दरबार बनया होया ते इधर दरबार साहेब पौंटा साहेब असी रुके सीगे दीवान हाल च ते इधर यमुना वग रही है यमुना का झाका नेड़े देखते हैं जाके थोड़ा जा ते उस तो बाद आपां चलांगे श्रीनगर वाल शीश महल इत्थे है दस्तार स्थान पौंडा साहिब गुरु महाराज जी इत्थे दस्तारा सजाउंदे सीगे दस्तारा दे मुकाबले हुंदे सी ते इह है कवि दरबार जिथे कवियां दे मुकाबले हुंदे सीगे या गुरु महाराज नूं कवि अपने वक्खो वक्ख थावां तों आ के कविता सुनाया करते सी। इधरले बन्ने यमुना वग रही है यमुना ते आपां जावांगे उधरों दी पुल दे उपरों दी। कल दा सफर औखा सीगा बड़ा 140 किलोमीटर पिंडा असी तय किया कल ते सने पहाड़ ते औखा बाला सीगा रात थक गए सीगे बाले 6-7 बजे पहुँच गए सीगे उत्तों बाद विश्राम करया फिर ते हुण आपां चलांगे अगे श्री अपना ऋषिकेश वाल। असी तुर पए हाँ पौंटा साहब तो ते केसरी निशान ला लिया इधर यमुना है पुल ते पहुंचे हैं ते अज पहुंचांगे ऋषिकेश। राह दे विच साइकल वाली संगत मिल गई सीगी बाई होनी जांदे सीगे ते मैं भी नाल नाल हो लिया इन्हां दे ते आपां मिलदे हां अज ऋषिकेश तुहानूं राह दे विच। कल शामी 6 बजे पौंटा साहब पहुँच गए सीगे ते पौंटा साहब पहुँच के संगत मिल गई सी राजपुरे की बाई जी होनी बाई जी होनी राजपुरे तो बाई जी पिंड केड़ा अपना पिंड केड़ा पिंड मेरा हाँ धमोली धमोली पिंड तो है ते इन्हां दा दसवां यात्रा है हेमकुंड साहब की 13वीं मतलब 9-10 साल हो गए है ते तजुर्बा काफ़ी हैगा ते इन्हां नाल असीं वी साइकल ला लिया ते निशान साहब केसरी इहदी थोड़ी जी घाट सीगी इह वी लग गया ते हुण अगे दा सफर इन्हां नाल कीता जाऊगा। बाई जी हुणी इकट्ठे ही कम करदे ने ते इकट्ठे ही यात्रा ते आए ने इकट्ठे ही आउंदे हां जी हां जी 13 साल हो गए ते श्री महाराज दी कृपा गुरु महाराज दी ठीक है जी। आपां बाई ते आपां अज पहुंचांगे ऋषिकेश ऋषिकेश आपां पौंटा साहब तो चले सीगे अज सवेरे 6 बजे चले सीगे ते अज ऋषिकेश पहुंचांगे अपना 90-95 किलोमीटर का सफर है अज का इन्ना को होगा 110 किलोमीटर है जी तो 50 किलोमीटर देहरादून हाँ जी हाँ जी 30 किलोमीटर के डोई वाला ठीक है डोई वाले तो 23 किलोमीटर रह जाता है फिर अगे ठीक है जी ठीक है डोई वाले फिर आराम करना 2 घंटे अपन ठीक है जी तो आराम करके चलेंगे शाम को बड़े आराम नाल पहुंच जाएंगे। ओके ठीक है जी ऋषिकेश रात में स्टे करेंगे तो बाद सवेरे अगे दी यात्रा शुरू ठीक है जी। ते साइकल ठल्ले सीगे हवा भरी जा रही है साइकलों च ते आपां मिलदे आ ये है जी डैम का नज़ारा मौसम माहौल वधिया है घेंट एकदम सूरज जी चढ़ गए थोड़े थोड़े जे ते ये है डैम असी 5-10 किलोमीटर आ गए पौंटा साहब तो अगे देहरादून पार करके अगे रेस्ट करांगे 2 घंटे लो जी नहर दे कंडे 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 हौली हौली तुरी जाने ते अगे फिर
देखते हैं जिमें भी सफर रहा, नाल जुड़े रहो अखीर तक। दिखावे हेमकुंड साहब के दर्शन करावे। आ खड़े अपने साइकिल बगे झोटे शेर। ये है जी माहौल। ओके रिपोर्ट, कैंट गलबात। जड़ी चीज़ नंगी अख वेख सकती है, कैमरा उस चीज़ को कैद नहीं कर सकता। तो बहुत सोहना माहौल है, दूर तक फैलिया होया ये डैम। तड़के का समा तो गांव वल वधदे हुए नौजवान। कोई इत्थे रौला गोला नहीं, शांत माहौल एकदम। साढ़े साइकलों की आवाज़ बस या गड्डी गुड्डी लंघती उहदी आवाज़। बहुत सोहना माहौल है। अगे निकलता रहा हरिद्वार, विकास नगर ते देहरादून। सामने बोर्ड लगे हुए हैं। उत्तराखंड में आपका स्वागत है। बोर्ड दिसदा है नहीं, मैं लगता धुप पैंदी है। जिहड़े इलाके तो असीं हुण लंघ रहे हां, इत्थे मुस्लिम आबादी थोड़ी वध है। मुस्लिम वीर ज़्यादा रहिंदे नेगे इत्थे, हिंदू वीर भी नेगे, पर एक कई पिंड इतों देर तो हूँ तो उरले पास सैला कोई तो उरले पास मुसलमान के पिंड बने हुए हैं। तो मुसलमान वीर आबादी इतने ज़्यादा है थोड़ी जी। देहरादून दिया सड़क से बड़ा ट्रैफिक है, साइकिल तोर के लेके जाना पैंदा। इतों अगे आपां देहरादून क्रॉस करके अगे रुकांगे डोई वाला, उत्थे गुरुद्वारा साहब है, उत्थे लंगर प्रसादा छकांगे। सवेर दे चले होए आ ते भुखे इत्थे आए आ ते लंगर हले प्रसादा छकिया नहीं गा। ते अगे थोनू मिलदे आ डोई वाला। देहरादून का खज्जल करता ट्रैफिक, साइकिल कढ़न थान नहीं, साइकिल रेड ना पिया। थनेले का समा हो चलिया 6 बजे। हेमकुंड साहब 295 किलोमीटर इतों, तो असी रुके सीगे डोई वाला, उत्थे लंगर प्रसादा छकिया। तो लंगर स्थान सीगा, उत्थे लंगर प्रसादा छकिया, 2 घंटे आराम किया।
ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵੱਲ। ਇੱਥੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਬੋਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਭਾਈ, ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਹਾਥੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਥੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਜੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, 2 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਆ ਅੱਗੇ, ਡਾਟ ਪੈਣੀ ਆ ਪੂਰੀ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭਈਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ ਹੈ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਟਕਾਂਗੇ। ਮਾਹੌਲ ਭੀੜ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬੱਸੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਆ। ਅੰਦਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਵੀ